अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप सब लोग बेटा? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप अपनी छुट्टियां बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी को जो है वो भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप जो है वो बहुत केपीएस के अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आपने अपना कल वाला होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। चले आए बेटा, आज हम नेक्स्ट पेज इसको देखते हैं, हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। आए अपना मैथ्स का समर पैक ओपन कर लें। शाबाश बेटा, सबसे पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। चलें शाबाश, अपना मैथ्स का समर पैक ओपन कर लें, हम देखते हैं हमने नेक्स्ट पेज इसको कैसे सॉल्व करना है। पेज नंबर 20 है आपके पास। पेज नंबर 20 के ऊपर आज हमारे पास कौन सा टॉपिक है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। राइट येस इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 10, एंड राइट नो इफ़ इट इज़ नॉट। अगर तो वो नंबर डिविजिबल हो रहे हैं तो हमने येस राइट कर देना है, अगर वो नहीं हो रहे तो हमने नो राइट कर देना है। लाइक पहला नंबर आपके पास 44, हमने 44 को देखना है। 44 क्या ये 2 को डिविजिबल हो रहा है? येस, क्योंकि लास्ट पे 4 आ रहा है तो 41 नंबर है। इसी तरह हमने 3 को डिविजिबल देखना है तो 44 यानी दोनों नंबर्स को हमने काउंट करना होता है। 3 का रूल हमने पढ़ा था, हम दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं जो उसका आंसर आता है, फिर हम उसको देखते हैं क्या वो 3 के टेबल में आता है या नहीं। तो 4 और 4, 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता तो ये नहीं डिविजिबल। इसी तरह डिविजिबल बाय 5 में चेक करना है। 5 के रूल में था कि लास्ट पे 0 और 5 आना चाहिए, तो ये भी नहीं आ रहा तो इसलिए नो हो गया। डिविजिबल बाय 10, हमने 10 का रूल भी पढ़ा था कि जिस नंबर के एंड पे 0 आता हो वो डिविजिबल बाय 10 होता है, तो इसके एंड पे 0 नहीं आ रहा तो इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। तो ये रूल्स आपने रिवाइज कर लेने और अच्छे से इसको जो है वो सारे बॉक्स को जो है वो फिल कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 21 पे आ जाएं बेटा। यहाँ पर आपने इन क्वेश्चंस को रीड ध्यान से करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। राइट 10 नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 2 और 3 के ऊपर जो जो डिविजिबल होते हैं वो जो आपने 10 नंबर ऐसे राइट करने हैं जो 2 पे भी डिवाइड होते हों और 3 पे भी होते हों। तो ये कुछ 3 मैंने लिख के दिए हैं आपको। 6 2 पे भी जाता है, 6 3 पे भी जाता है, 12 2 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, इसी तरह 18 है। तो आपने आगे इसको पूरे कंप्लीट 10 कर लेने हैं, 10 नंबर्स होने चाहिए। इसी तरह ये देख लेना है आपने जो 2 और 5 पे डिविजिबल होते हों, यहाँ पर 2 और 10 से डिविजिबल होते हों, यहाँ पर आपके पास 5 और 10, और देन यहाँ पर 2, 5 और 10। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं बेटा, पेज नंबर 22 के ऊपर आ जाएं बेटा। राइट द फर्स्ट 20 कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं हमारे पास, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। अब देखें यहाँ पर आपके पास पहला कंपोजिट नंबर 4 आता है। 4 अपने अलावा और 1 के अलावा बाकी टेबल्स पे भी जा रहा है, लाइक 2 पे भी जा रहा है 4। तो इसी तरह 6 है, 8 है, यानी अपने अलावा और 1 के अलावा वो किसी और के टेबल में भी आ रहा हो, तो ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो ये आपने 20 कंपोजिट नंबर्स राइट कर लेने हैं। इसी तरह यहाँ पर 10 प्राइम नंबर्स राइट करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपने बिटवीन ऑल प्राइम नंबर, इन दोनों के दरमियान प्राइम नंबर्स राइट करने हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 के टेबल में और अपने ही टेबल में जाएं। इसी तरह यहाँ पर भी कंपोजिट जो है नंबर्स आपने राइट कर लेने हैं। पेज नंबर 23, इस पेज नंबर के ऊपर जो है वो आपके पास राइट ऑन द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो शाबाश 1 और अपने ही टेबल में जाए, तो यहाँ पर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, यानी 1 और वो नंबर खुद। तो यहाँ पर आपने देख लेना है पहला 2 आता है, 2 1 और अपने ही टेबल में आता है। इसी तरह 3, 5 और बाकी भी आपने जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, पहले 10 लिखने हैं। इस तरह आपने कंपोजिट नंबर्स भी राइट करने हैं 20 और 50 के दरमियान में। तो ये 21 आता है बिटवीन यानी दरमियान में, तो 21, 22, 24 यानी अपने अलावा वो बाकी किसी और के टेबल में भी आता हो। तो यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेना है। ये क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं मैंने, तो यहाँ पर आपने इसको फिल करना है, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, प्यारी सी राइटिंग के साथ करना है। फी अमान ला बेटा।